पूरी सिंध से आई हुई हिंदू कम्युनिटी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के जिम्मेवारान, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली के इस शुभ मौके पर दिल की तह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये त्योहार हम हर साल मनाते हैं, ये सिर्फ त्योहार पटाखे जलाने, म्यूजिक सुनने, टेबलोज देखने के लिए नहीं होता। इस त्योहार का एक मकसद है, रोज अजल से एक जंग, एक कंपटीशन हमेशा जारी रही है और वो रही है अच्छाई और बुराई में। आज का दिन हमें श्री राम के हवाले से वो सब चीजें समझाता है कि आपको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और आपको अच्छाई का साथ कैसे देना है, आपको दोस्त कैसे बनाने हैं, आपको अपनी फैमिली के साथ कैसे पेश आना है और सबसे ज्यादा पढ़कर आपको अपना मुल्क भी कैसे चलाना है। ये सब कुछ रामायण में मौजूद है। ये सिचुएशन आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी हालत में अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे आपकी आम जिंदगी हो, वो आपकी सियासी जिंदगी हो, वो आपकी मुल्की सियासत हो, लेकिन आपको रामायण यही सिखाता है, श्री राम यही सिखाता है कि हक और सच का साथ दे। पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून हमें ये खासतौर के पाकिस्तान की अकलियतों को तहफुज फराहम करता है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का आईन तो 1973 में बना, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि हम पाकिस्तान में अकलियतों को उनके पूरे हकूक होंगे, जो कि ना कायदे आज़म का मुकम्मल पाकिस्तान हो सका, ना मुकम्मल अकलियतों को हकूक मिल सके, लेकिन ये सफर जारी है और भगवान ने चाहा तो ये सब कुछ मुमकिन बनेगा और पाकिस्तान में ही मुमकिन बनेगा। माइनॉरिटीज के हवाले से इस लेजिस्लेशन बहुत कम हुई है। अभी तक जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बनाया है तो वो सिर्फ मैरिज के हवाले से है, शादियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से है, उसके अलावा कोई कानून अभी तक नहीं बन सका। लिहाजा जरूरत है कि माइनॉरिटीज के लिए एक प्रोएक्टिव लेजिस्लेशन का इनिशिएट किया जाए ताकि माइनॉरिटीज के सिलसिले में हो सके। और वो जो मैरिज लॉ भी बना वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक एप्लीकेबल है, बाकी वो एप्लीकेबल नहीं है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी एहकाम थे, उसकी रोशनी में एक नेशनल कमीशन बना माइनॉरिटीज के लिए, उसके पहले चेयरमैन का जो एजाज मिला वो चेलाराम साहब को मिला। ही हैज हैंडल्ड इट वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको चलाया, उनके मेंबरान ने। लेकिन सबकी डिमांड ये थी कि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए और उसके लिए इस कमीशन ने भी कोशिश की है, सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है फॉर रिलीजियस अफेयर्स कि वो इसको एक्सपेडाइट करें। चेलाराम ने मुझे बताया कि कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है थ्रू एक्ट ऑफ पावर पार्लियामेंट, ये ज्यादा पावरफुल कमीशन बनेगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने, मैं एक बात जो खास तौर पर कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में सैलाब आए हुए हैं, हमें अपनी खुशियों में उन सब सैलाब मुतासरीन को भी शामिल करना चाहिए और दिवाली के दिन उनके पास भी जाना चाहिए और आप जो जो कर सकते हैं, चाहे छोटी सी भी आपकी खिदमत हो, वो उनके लिए जरूर करें। यहाँ पे जो टेबलोज पेश हो रहे हैं, जो बच्चे पेश कर रहे हैं, वो इंतहाई जबरदस्त है और जो सॉन्ग्स और जो म्यूजिशियंस और जो आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। आखिर में पाकिस्तान हमारा वतन है, इस दिवाली पे
पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए जरूर दुआ मांगिएगा। आखिर में मैं चाहूंगा मैं पाकिस्तान का नारा लगाऊं और आप सब मेरे उसका साथ दें। पाकिस्तान, पाकिस्तान, बड़ी मेहरबानी।